Sony Live, we live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. गागल क्यों नहीं कर रही हो ताशा? क्या हुआ? पापा, मम्मी आपको इतना मारती क्यों है? बेटा, मम्मी हमसे इतना प्यार भी तो करती है. उनको स्कूल का, घर का टेंशन होता है, इसलिए थोड़ा गुस्सा आ जाता है उन्हें. I'm sorry. अभी, I'm really very sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया था. और ताशु, प्लीज मम्मा को माफ कर दो. मम्मा आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेगी. पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस. अरे क्या हुआ, आपको तो काफी चोट लगी, काफी खून बह रहा है. ठीक है गौतम जी, मैं घर जाके पट्टी कर लूंगा, कोई बात नहीं. छोड़ नहीं, आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं. नहीं इट्स ओके. कसम से सर, मुझे उसके पहले शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम. मैं खुद हैरान हूँ सर कि उसने अपने पहले पति से डिवोर्स लिए बिना ही मुझसे शादी कर ली. लेकिन तुम्हें ये तो पता था ना, उसकी 5 साल की बेटी है, इसके बावजूद भी तुमने उससे शादी की. सर वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उससे प्यार करने लगा. और वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता. उसके माँ को शायद पता होगा. सर मंजू की पहली शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता. नौकरी की वजह से सालों मुझसे दूर रहे. और जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज मुझे दी तो मुझे लगा कोई नाजायज रिश्ता रहा होगा. पर ये बात बहुत अजीब है कि उसने आपसे अपनी ही शादी की बात छुपाई. सर मेरी बेटी बचपन से ही इंडिपेंडेंट कस्ब की थी और मैं उसे अच्छी परवरिश देने के लिए दो दो नौकरियां किया करती थी. धीरे धीरे हम बहुत दूर होते चले गए. देखते ही देखते हमारा रिश्ता सिर्फ नाम कर रह गया. उसने मुझे अपने करीब ही नहीं समझा. ये सब मेरी गलती है. चल बोल, बहुत बहुत दे रहा, फटाफट मुकल वरना. साहब मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि मैंने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दिए बिना प्रभा से शादी की. मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ के भागा था तो इसलिए डिवोर्स नहीं हुआ था. यही बताने आया था साहब मैं. आप कहीं आप इस बात पर मुझे जेल में ना डाल दो. तो फिर तू अपनी पहली पत्नी से छुप क्यों रहा था? डिवोर्स क्यों नहीं दिया तूने? देख सुशील, तेरे पास ये आखिरी मौका है, सच सच बता दे. हम ये मान लेंगे कि तूने उसे मारा. मैं मारूंगा उसे? वो मारती थी मुझे. मेरी माँ तो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी. हो सकता है कि मंजुला से बदला लेने के चक्कर में तूने उसे मार दिया. तब मैं वहां से भाग गया था. पर जिस दिन से मैं घर छोड़कर भागा उस दिन से लेकर आज तक मैंने उससे कभी बात नहीं की साहब. वो पागल थी साहब, पागल थी. मैं डर गया था साहब, इसलिए मैं भाग गया था वहां से. लेकिन मंजुला ने तो दूसरी शादी कर ली थी, फिर भी वो तुम्हारी माँ को फोन करती थी, क्यों? वो मेरी माँ से मेरे बारे में फोन करके पूछती थी. हो सकता है कि उसको मुझसे डिवोर्स चाहिए था, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैं उससे मिलने कभी नहीं गया. ये जरूर हो सकता है कि मंजुला को मेरी दूसरी शादी के बारे में पता चल गया और उसने कहीं प्रभा के साथ कुछ गलत. साहब वो बहुत खतरनाक औरत है साहब, वो कुछ भी कर सकती है साहब, कुछ भी कर सकती. सुशील, क्या ये प्रभा? सुशील Thank you.
देखो सुशील, ये किसी चोर उचक्के का काम लगता है, क्योंकि प्रभा की बॉडी में रेसिस्टेंस के मार्क्स हैं। मतलब ये कि मरने से पहले उसने चीखने और लड़ने की कोशिश जरूर की होगी, और कातिल शायद घबरा कर उसने प्रभा को मार दिया। फिलहाल जब तक कोई ठोस सबूत या कोई कातिल नहीं मिल जाता, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। जिसने भी मेरी प्रभा को मारा सर, उसे मत छोड़ना, उसे मत छोड़ना सर। अभी घर जाओ। मत छोड़ना सर। सर, मंजुला के फोन से लास्ट एसएमएस जो भेजा था उसकी लोकेशन यही है, और जहां हमें मंजुला का फोन मिला वो लोकेशन यहां से 10 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ अच्छी तरह से छानबीन करो। ओके सर। शिंदे वहां देखो। एक मिनट। मिट्टी हटाओ इसके ऊपर से, आराम से, धीरे धीरे सब बॉडी को बाहर निकलवाओ। आराम से, आराम से। साहब, मैं तो सिर्फ पर्स छीनने के इरादे से गया था, और उसी खींचातानी में उसकी मौत हो गई। सर, मेरे वाइफ की डेड बॉडी आपको मिली है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। बहुत हो चुका तेरा नाटक अविनाश, सब पता चल चुका हमें। मंजुला की मौत पिकनिक वाले दिन ही सुबह 4 से 5 के बीच में हो चुकी थी। पक्के सबूत मिले हैं आपके खिलाफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए अब हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अविनाश, तेरी सास ने सब सच सच बता दिया। देखो, तुम्हारे दामाद ने कबूल कर लिया है कि मंजुला का खून उसी ने किया। उसने नहीं किया, मैंने किया अपनी बेटी का, मैंने मारा है मंजुला को, मैंने मारा है अपनी बच्ची को। पर वो मंजुला को मारना नहीं चाहती थी साहब, वो मुझे बचाना चाहती थी, और उनका हाथ उड़ गया। मारी डाली मंजुला, 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 मंजुला। सब कुछ इतना जल्दी में अचानक से हुआ कि हम कुछ समझ नहीं पाए सर, समझ में नहीं आ रहा था सब। फिर घंटों हम उसके पास बैठे रहे, कब सुबह हुई पता ही नहीं चला। स्कूल में सब मंजुला की वेट कर रहे थे पिकनिक जाने के लिए। इसके पहले कि किसी को शक होता, हमने मंजुला की बॉडी को स्कूल और घर से दूर दफना दिया। मंजुला के पिकनिक पे नहीं जाने का बहाना चाहिए था, इसलिए अविनाश ने मंजुला के फोन से विद्या को मैसेज किया। उसके बाद हमने मंजुला के पिकनिक जाने वाले रास्ते में जाकर उसका मोबाइल फेंक दिया। गलती मेरी थी, काम की वजह से मैं ही अपनी बच्ची का पूरा ख्याल नहीं रख पाई। अगर मैं अपनी बच्ची का ख्याल रख, मेरी बच्ची इतनी गुस्से वाली नहीं होती। मंजुला की हिंसक प्रवृत्ति में शायद तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन घरेलू हिंसा सहना और चुप रहना, ये केवल आपकी ही गलती। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है साहब, मेरे चुप रहने की वजह से
मेरी बेटी वो भी बहुत पहले मुझे आपके पास आना चाहिए था सर, अगर मैं आता तो शायद ये कुछ नहीं होता। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।